जयपुर के आरआईसी में 5 जनवरी से 7 जनवरी तक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की पूर्व संध्या जगमगाई पिंक सिटी। जेडीए भवन को एलईडी लाइट्स व फूलों से सजाया गया है। स्क्वायर के प्रमुख चौराहे व तिराहे पर लाइटिंग की गई है और साथ ही साथ रंग बिरंगे झंडों व फूलों से सजाया गया है। जेडीए की ओर से कराया गया है सौंदर्य का कार्य। प्रमुख सर्किल चौराहों व तिराहों पर झालरें बदल दी गई हैं। कॉन्फ्रेंस के दिनों में रोजाना इसी तरह से फूलों की झालर बदल दी जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी इंदु राठौड़ भी जुड़ चुकी है। इंदु, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है गुलाबी नगरी में? और चलिए इंदु से एक बार फिर से जुड़ेंगे, पर उससे पहले आपको जरा तस्वीरें जरूर दिखा देते हैं कि किस तरह से अलग अलग तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से फूलों की झालर लगाई गई है। और जब तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी तब तक रोजाना इन फूलों की झालर को बदला जाएगा। इसके अलावा लाइटिंग आपने देखी होगी। इससे पहले आपको एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी भी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से लाइटिंग की गई है, रिहर्सल की गई है, यानी सुरक्षा के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो इसको लेकर के रिहर्सल की जा रही है। रूट को डाइवर्ट भी किया गया था और ऐसे में आपको नजर आएगा कि किस तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी रहने वाली है, क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो ऐसे में उनके स्वागत से लेकर के उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, तमाम चीजों को लेकर के, तैयारियों को लेकर के अंतिम रूप भी दिया जा चुका है। पर गुलाबी नगरी की क्या कुछ तस्वीरें हैं आपको दिखाते हैं। हमारे साथ सहयोगी इंदु राठौड़ भी जुड़ चुकी है। एक बार फिर से इंदु, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, कहां पर इस वक्त आपकी मौजूदगी है? आयुषा, देखिए मैं इस वक्त राजस्थान विधानसभा के गेट नंबर 2 के जस्ट सामने खड़ी हूं और एक बार आपको तस्वीर भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले, क्योंकि पूरे मरुधरा के लिए कल, परसों और उसके बाद का दिन, यानी 3 दिन बहुत खास होने वाले हैं, क्योंकि पहली बार राजस्थान इसकी मेजबानी कर रहा है डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के लिए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। तो देखिए, हम कहते भी हैं कि जब मेहमान आते हैं तो तैयारियां जोरों पर होती है, तो वो तैयारी कैसी है वो जरा आप देख लीजिए तस्वीरों के माध्यम से। अपने सहयोगी को बोलूंगी एक बार तस्वीर आपको दिखाए। और जब आप तस्वीर देख रही होंगी आयुषी, ये है राजस्थान विधानसभा और जरा आप तस्वीर में देख पा रही होंगी कि किस तरह से दुल्हन की तरह से सजाया गया है। और देखिए, न तो आज दीपावली है, न ही ऐसा कुछ खास त्यौहार है, लेकिन फिर भी आज का दिन ऐसा लग नहीं रहा कि दीपावली से कम है, क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। और फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो है विद्युत भवन की तस्वीर। ये तस्वीर जरा आप देखिए, 3 कलर, और ये 3 कलर जो मैं कह रही हूँ ना, तो सच में यकीन मानना, ये 3 कलर बहुत कुछ कह देते हैं। और पूरा विद्युत भवन के पास वाला भवन सब जो है वो लाइटिंग्स में सजे हुए हैं। अलग ही नज़ारा आज देखने को मिल रहा है। और देखिए आयुषी, एक बहुत खास बात मैं आपको बताती हूँ, इस खास तस्वीर को कैद करने के लिए लोग आ रहे हैं विधानसभा के जस्ट सामने आके खड़ी होकर तस्वीरें ले रहे हैं। यहाँ पर ली जा रही है, क्योंकि जब बात गुलाबी शहर की होती है तो गुलाबी शहर के जो लोग हैं उनमें उत्साह बहुत ज़्यादा होता है। जब कल हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनकी का तस्वीरें बहुत ज़्यादा खास हो जाएगी। और फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से जयपुर को सजाया गया है। ये सजावट अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है कि कैसे हम पलक पांव गुजरात में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार कर रहे हैं। और खास दिन है, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी और ये 3 दिन बहुत ज़्यादा खास हो जाएंगे, मोस्टली क्योंकि पहली बार राजस्थान इसकी मेजबानी कर रहा है। जी आयुषी, हिंदू आपको याद होगा वो दिन जब इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और अपने संबोधन में वादा उन्होंने प्रदेशवासियों से किया था, राजस्थान वासियों से किया था कि सरकार बीजेपी की आएगी, और अब वो वादा पूरा हो चुका है और उसके बाद में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। इसमें जाहिर सी बात है लोगों के अंदर भी उत्साह होगा, बधाई देने के लिए लोग भी पहुंचेंगे, भीड़ काफी ज्यादा देखने को मिलेगी लोगों के अंदर भी, क्योंकि उत्साह है, इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से समझना चाहूंगी कि कितने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। देखिए सुरक्षा की अगर बात करें तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, सुप्रीम प्रोटोकॉल होता है उनकी सुरक्षा की, जब हम बात करते हैं तो देखिए बहुत कड़ी सुरक्षा है। भाजपा मुख्यालय की और चारों तरफ एक कड़ा तंत्र बनाया गया है, कड़े तंत्र को स्थापित कर लिया गया है, क्योंकि कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। और देखिए आयुषी, जिस तरह से आप कह रही हैं कि उन्होंने वादा किया था कि वो वापस भी आएंगे और खुद ये वादा करते हुए नजर आए थे कि राजस्थान के अंदर
भाजपा की सरकार बनेगी, ऐसे में खुद की सरकार में है और अब उनकी सरकार है, तो जब वो आएंगे तो तस्वीरें और भी ज्यादा खास हो जाएगी। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले आए थे तब चुनाव प्रचार के दौरान वो राजस्थान आए थे, गुलाबी शहर में भी आए थे और हमने तब देखा था कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनकी एक छोटी सी झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आ रहे थे। पूरा काफिला उनका था और काफिले के बीच में लोग दूर दूर से आए थे। जो सांगानेरी गेट है, जो परकोटा है, वो लोगों से भरा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इस बार तस्वीरें अलग होगी क्योंकि इस बार जो सुरक्षा है वो बहुत ज्यादा पुख्ता है। डेलीगेट को पास दिए गए हैं, पास के माध्यम से ही एंट्री मिलेगी और 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस। और फिलहाल एक बार आपको ये तस्वीर जरा दिखाना चाहूंगी कि ऐसे सुरक्षा कर्मी आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, पूरी सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। और देखिए कि किस तरह से सुरक्षा कर्मी मुस्तैद नजर आ रहे हैं, हाथों में इनके देखिए बंदूक, और बंदूक बहुत कुछ बयां कर रही है। ना केवल ये बंदूक बल्कि आप देखिए एक बड़ी कतार के अंदर बड़े ही डिसिप्लिन के साथ जो सुरक्षा कर्मी है वो नजर आ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी बोलते हैं। क्योंकि कल खुद प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, गृहमंत्री अमित शाह आएंगे और जब हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो सोचिए कि जो सुप्रीम प्रोटोकॉल उनका होता है उसको देखते हुए विधानसभा के सामने से पूरी सुरक्षा कर्मी जो है वो निकलते हुए नजर आ रही है। सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं के हाथों में है। बिल्कुल इंदु, समझा जा सकता है कि तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा चुका है, साज सजावट पूरी हो चुकी है, सुरक्षा की दृष्टि से तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और वो तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया जरूर दिखाएगा जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचेंगे और किस तरह से स्वागत उनका किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इंदु आपका इन तमाम तस्वीरों की जानकारी के लिए।